जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5-0 की जीत के बाद आईसीसी रैंकिंग लिस्ट हो चुकी है घोषित। राहुल का दिखा है बड़ा धमाल और वहीं रोहित शर्मा ने दी है बड़ी खुशखबरी और जसप्रीत बुमराह का भी उलटफेर देखने के लिए मिला है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार अब आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज और कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन से स्थान पर लंबी लंबी छलांग लगाते हुए पहुंच चुका है। तो आप सभी बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी अहम खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो एक बहुत ही दुखद खबर है। जी हाँ दोस्तों, ये दुखद खबर है कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड में लगा एक बड़ा झटका। रोहित शर्मा हुए वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज से बाहर, कर दिया है ऑफिशियली अनाउंस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में जो तीसरी बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि अब भारतीय टीम क्या होगी पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के बाहर निकल जाने के बाद। तो पूरी जानकारियों को आप लोग जरूर जानेगा अगर आप भी क्रिकेट दीवाने हो तो। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा की जल्द से जल्द वापसी हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 5-0 की जीत हासिल की है। तो वहीं इस सीरीज का जो 5वां T20 मुकाबला था वो 2 फरवरी के दिन खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 164 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इसके जवाब में मात्र 156 रन ही बना सकी, जिसके कारण भारतीय टीम ने अंतिम और आखिरी T20 मुकाबला जीत कर एक इतिहास ही रच दिया। और भारतीय टीम की तरफ से जो इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया वो KL राहुल को दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बरसाए थे। तो ऐसे में दोस्तों अब बात आती है कि आखिरकार T20 रैंकिंग में KL राहुल, जसप्रीत बुमराह जिन्होंने शानदार गेंदबाजियां करी, सबके स्थान कहां कहां पहुंच चुके हैं। तो आइए चलिए एक एक करके अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा बल्लेबाज और कौन सा गेंदबाज कौन से स्थान पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय टीम अब T20 रैंकिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से स्थान पर आ चुकी है। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को पछाड़ते हुए सीधा 4था स्थान हासिल कर लिया है और अब इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम इस लिस्ट में बराबरी पर है। और अगर अब भारतीय टीम एक और T20 मुकाबला जीतती है या फिर अगर सीरीज भी जीत जाती है तो उसके बाद सीधा इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम तीसरे स्थान पर आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटर बचेगा इंडिया का वो बचेगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। बाकी आप पूरी लिस्ट में भी यहाँ पे देख सकते हो भारत की रेटिंग जो है अब 265 हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि प्लेयर्स की रैंकिंग लिस्ट अब क्या है। तो दोस्तों आइए पहले बात करते हैं ऑलराउंडर रैंकिंग लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों T20I में हम आपको बता दें कि ऑलराउंडरों की टॉप 20 लिस्ट में भी कोई भी ऑलराउंडर जो खिलाड़ी है वो नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी के नाम आपकी स्क्रीन के सामने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी टॉप 20 के स्थान में नहीं आता। तो इस लिस्ट के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं गेंदबाजी रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों गेंदबाजी रैंकिंग में अगर देखा जाए तो नंबर 1 के स्थान पर है अफगानिस्तान के राशिद खान, जो कि 749 रेटिंग के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 27 स्थान की लंबी छलांग लगाकर अब उन्होंने 11वां स्थान हासिल कर लिया है। और इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर 22वें स्थान और युजवेंद्र चहल 30वें स्थान पर है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं वहीं शार्दुल ठाकुर का जो स्थान है वो 57वें नंबर पर आ गए हैं। बाकी पूरी लिस्ट आप लोग की स्क्रीन के सामने भी है। तो यहाँ पर जो लंबी छलांग लगाई है सबसे ज्यादा वो जसप्रीत बुमराह ने लगाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं बल्लेबाजी रैंकिंग की। तो दोस्तों T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जिसने सबसे लंबी छलांग लगाई है वो है KL राहुल। जी दोस्तों T20 सीरीज में 224 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले KL राहुल ने T20 रैंकिंग में एक बहुत ही लंबी छलांग लगाते हुए सीधा अब दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। जी आप लोगों को जरूर जानकर आश्चर्य हुआ होगा, वो सीधा 6ठे स्थान से 2रे स्थान पर अब आ चुके हैं। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लोकेश राहुल 823 रेटिंग अंकों के साथ बाबर आजम के बाद 2रे स्थान पर मौजूद हैं। तो वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा ने 3 स्थानों का सुधार करते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है और इससे पहले रोहित शर्मा 13वें स्थान पर मौजूद थे। तो वहीं कप्तान विराट कोहली के स्थान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और वो 9वें स्थान पर ही मौजूद है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है भारतीय टीम के बल्लेबाज लोकेश राहुल के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या लोकेश राहुल बाबर आजम को पीछे कर पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा क्या लोकेश राहुल ही कर पाएंगे या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह वगैरह जितने भी बल्लेबाज है सब कर पाएंगे? आप अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड में लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा हुए वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर। जी दोस्तों एक बहुत
बड़ी खबर निकल के आई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट इंडिया यानी कि पीटीआई ने एक ट्वीट करते हुए डाला है कि रोहित शर्मा 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट के तौर पर वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा कौन होगा इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस ट्वीट से ये साफ हो गया है कि रोहित शर्मा अब वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, जो कि रोहित शर्मा के फैंस के लिए बेहद ही निराश करने वाली खबर है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा को भारतीय टीम में शामिल होना चाहिए था? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। तो इसके साथ ही टी20 सीरीज का समापन अब हो चुका है और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाने वाली है। जी दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये जो वनडे सीरीज होगी वो 5 फरवरी से चालू होगी। तो वही जो पहला मुकाबला होगा वो 5 फरवरी को खेला जाएगा हैमिल्टन में और आप सभी इस मैच का लाइव प्रसारण सुबह 7:30 बजे से देख सकेंगे। तो वही जो दूसरा वनडे मुकाबला होगा वो 8 फरवरी को खेला जाएगा ऑकलैंड में, जो की सुबह 7:30 बजे से ही शुरू होगा। तो वही जो अंतिम और तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा वो 11 फरवरी को खेला जाएगा और वो भी सुबह 7:30 बजे से ही शुरू होगा। तो आप सभी इन मैचों को 7:30 बजे से देख सकेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब सवाल आता है भारतीय टीम का, क्योंकि अगर भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की टीम को इस सीरीज में भी क्लीन स्वीप देना है तो भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 में काफी कुछ खतरनाक बदलाव करने पड़ेंगे। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज चोट लगने के कारण पहले वनडे मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल यहां पे बात हो रही है रोहित शर्मा की, जिन्हें 5वें T20 मुकाबले के दौरान उनकी पिंडली पर चोट लगी थी और जिसका कारण ये हुआ कि रोहित शर्मा फील्डिंग करते हुए हम सभी को मैदान पर नहीं दिखे और केएल राहुल ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। तो ऐसे में अब ये खबर तो पक्का है कि रोहित शर्मा अब पहला वनडे मुकाबला नहीं खेलेंगे। अगर अब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो किस खिलाड़ी की वापसी होगी? तो दोस्तों हम आपको बताएं, खबर ये निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में लोकेश राहुल के साथ ही पृथ्वी शॉ वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ का ये डेब्यू मैच हो सकता है जिसमें पृथ्वी शॉ केएल राहुल के साथ ओपनिंग साझेदारी हमें निभाते हुए नजर आएंगे। और बाकी आप तो जानती हैं कि पृथ्वी शॉ कितने खतरनाक और जबरदस्त बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा की जगह पर पृथ्वी शॉ की वापसी भारतीय टीम में करवाई जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम के बारे में। जैसे कि आप सभी भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम देख पा रहे होंगे, उसमें होंगे जो ओपनिंग साझेदारी हमें निभाते हुए नजर आएंगे वो होंगे पृथ्वी शॉ और लोकेश राहुल। तो वहीं जो मिडिल ऑर्डर संभालते हुए हमें नजर आएंगे उसमें होंगे विराट कोहली, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, और वहीं जो गेंदबाजी पक्ष संभालते हुए हमें नजर आएंगे उसमें होंगे रविंद्र जडेजा, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और लोकेश राहुल। तो आप सभी को भारतीय टीम में ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला जीतेगी या फिर नहीं। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच, होगी जबरदस्त टक्कर। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में चालू है और इस दौरान क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई काफी मशहूर है। तो ऐसे में भारत की सीनियर टीम का रिकॉर्ड जो है वो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हरा नहीं पाई है। और वहीं मंगलवार 4 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की युवा टीमों के बीच में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया जाने वाला है, मतलब कि ये सेमीफाइनल होगा। आप सभी कल 4 बजे से इस मुकाबले को लाइव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। और वहीं दोस्तों आप यहां पे देख भी सकते हो पूरी इसकी टाइमिंग वगैरह, 1:30 बजे से शुरू होगा ये दोपहर में। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम के महान कप्तान ने दी राय, बोले मुश्किल होगा MS धोनी की वापसी। जी दोस्तों, ये जो बयान है वो किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व महान कप्तान कपिल देव ने कह रहे हैं। यहां तक कि चयनकर्ताओं को उनको पिक करना चाहिए भले ही वह उपलब्ध हो या फिर ना हो। ऐसे में ये जो बयान है वो कपिल देव ने अपने इंटरव्यू के दौरान दिया है। तो जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में इस समय 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई और वहीं इस सीरीज को भारतीय टीम ने 5-0 से अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में खेले गए अंतिम T20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड की टीम को 164 रनों का शानदार लक्ष्य दिया था। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम मात्र 156 रन ही बना सकी और वहीं भारत ने ये मैच 7 रनों से अपने नाम कर दिया। तो इस मैच के ठीक बाद ICC ने ESPN पर नई रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी। जी हां दोस्तों, तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये T20 रैंकिंग लिस्ट। तो पहले तो हम बताते हैं न्यूज़ बाद, सीधा सीधा 7 रेटिंग पॉइंटों का नुकसान हुआ है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम अभी भी 6ठे नंबर पर है, लेकिन अब उसके रेटिंग अंक 245 पर रवाना। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप, हम उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी
सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।